स्वराज सेवा दल के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में गंगा स्वतः ही साफ हो गई है और केंद्र सरकार गंगा की सफाई के लिए करोड़ रुपए हजम कर गई। उन्होंने कहा कि सरकार उस पैसे को युवाओं के रोजगार के लिए लगाए। इसी के साथ ही उन्होंने मौके पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं तहसीलदार शालिनी मौर्य ने भी कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। स्वतः ही साफ हो गई, फिर सारे एनजीओ को वो पैसे माननीय प्रधानमंत्री राहत कोष में वापस कर देने चाहिए, ताकि वो 7,000 करोड़ रुपए प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करा सके। और दूसरी ओर मैं जो यहाँ के मंत्री लोग हैं जो बयान दे देते हैं कि झोटे बुग्गियों वालों को खनन को न रोका जाए, मैं पूछना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, माननीय मंत्री जी बेहद करीबी माने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के, तो क्यों नहीं वो गांव वालों के लिए एक शासनादेश पारित करवा देते हैं। पहले वो मौखिक आदेश देंगे, फिर ईमानदार अधिकारियों को निलंबित करेंगे, फिर एक नया ड्रामा होगा कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी अपने पीआरओ को सस्पेंड कर देंगे। ये बेहद निंदनीय है। ये जो है सुराज सेवा दल, इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो अवैध खनन है उस पर रोक लगाई जाए। तो इस संबंध में मेरा ये कहना है कि भाई इस समय जो है बिल्कुल डीएम साहब के और शासन से बिल्कुल सख्त निर्देश हैं, जो भी अवैध खनन करता हुआ पाया जा रहा है उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी टीमें क्षेत्र में लगी हुई हैं और पुलिस प्रशासन सभी को जो है निर्देश हैं कि भाई किसी भी तरीके का कोई अवैध खनन कहीं पर नहीं होगा। जो अवैध खनन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की सख्त कार्रवाई हो भी रही है। हम लोग डेली चेकिंग कर रहे हैं और डंपर ट्रैक्टर जो भी हमें मिल रहा है हम सब सीज कर रहे हैं और साथ ही अवैध खनन को बिल्कुल इस समय रोक दिया गया है, बिल्कुल नहीं हो रहा है।